फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, कैसे हो आप सब? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर शेयर किया करो। एंड गाइस, अभी मैं मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठ गई थी। दक्षु का स्कूल है एक्चुअली, आज समर वेकेशंस उसके ओवर हो चुके हैं और अभी फर्स्ट डे स्कूल का है। तो मैं उठी थी सुबह 6:30 बजे उठ गई थी और मेरे को 2-3 दिन से ना काफ़ी तेज फीवर था। तो सबसे पहले उठ के मैंने अपना फीवर चेक किया। एक्चुअली 101 फीवर है मेरे को इस टाइम पे जब मैंने अभी चेक किया है। और अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो दक्षु पीछे बहुत ज़्यादा शोर कर रहा है, खेल रहा है, तो छोटा बच्चा है ना, उसको रोक भी नहीं सकते। तो मैं बस एडिटिंग कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो वॉइस ओवर कर लेती हूँ शांति से बैठ के, बट दक्षु करने ही नहीं देता। सो दक्षु चुप हो जाओ प्लीज़। तो बस अभी किचन में आ गई हूँ मैं दक्षु का टिफ़िन रेडी करने के लिए। एंड सबसे पहले तो रात को वैसे तो मैं क्लीनिंग करके अच्छे से सारा काम होने के बाद क्लीनिंग करके सोती हूँ, बट सुबह उठ के दोबारा से फिर से मैं स्लैब को क्लीन करती हूँ, क्योंकि मैं चकले का इस्तेमाल नहीं करती रोटी बनाने के लिए, सीधा डायरेक्ट स्लैब के ऊपर ही रोटी बनाती हूँ। अभी बीच में मैं फिर से आ गई थी बेडरूम का डोर ओपन करने के लिए। मैंने कहा जब तक दरवाज़ा नहीं खोलूँगी तब तक ये दोनों बाप बेटा अंदर सोते रहेंगे और फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा। और दक्षु को ना मैं क्या करती हूँ, एकदम से उठा करके उसको सीधा ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट बाथरूम में ले जाओ, ब्रश कराओ, नहलाओ। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम उसके पास हो, वो उठे, थोड़ा सा खेले इधर उधर, थोड़ा इंटरेक्ट करे चीज़ों के साथ, अपने टॉयज के साथ खेले। जब उसका थोड़ा सुस्ती उतर जाती है ना, थोड़ा माइंड चेंज हो जाता है, फिर मैं उसको धीरे धीरे बाथरूम में लेके जाती हूँ नहलाने के लिए, ब्रश कराने के लिए, बातों में लगा के, क्योंकि बहुत छोटा है ना अभी और एकदम से इतने दिन बाद स्कूल जा रहा है। तो फिर उसको अभी बिल्कुल आइडिया नहीं है कि आज मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो उठेगा तब देखना कि उसका रिएक्शन क्या रहता है। सो बस अभी टिफ़िन रेडी करने के लिए आ गई हूँ। आज मैं उसको पनीर कॉर्न का पराठा बना के दूंगी। कॉर्न आजकल बहुत अच्छे आ रहे हैं मीठे मीठे से, तो बीच में पनीर कॉर्न और छोटा छोटा बारीक प्याज कट किया है मैंने, इसकी स्टफिंग करूंगी। तो स्टफिंग पराठा बना के दे रही हूँ मैं दक्षु को टिफ़िन में, और साथ में हल्की सी सॉस दे दूंगी थोड़ी सी, क्योंकि उसके साथ फिर ये खुश होके अच्छे से खा लेता है। सो बस अभी यहाँ पे पराठा बन चुका है। तो दक्षु के पापा के लिए भी ना नाश्ता मैं साथ में ही बना देती हूँ, मतलब हम दोनों के लिए साथ में एक एक पराठा बना लेती हूँ, दूध के साथ हम खा लेते हैं और चाय तो हम पीते नहीं हैं। सो बस यहाँ पे पराठा बन चुका है। अब उसका फ्रूट टिफ़िन रेडी कर रही हूँ। फ्रूट टिफ़िन में फ्रूट्स रख दिए हैं मैंने, बनाना वगैरह, एंड उसका जो दोनों मतलब दो टिफ़िन जाते हैं इसके, तो दोनों टिफ़िन बस अभी ऑलमोस्ट मैंने रेडी कर दिए हैं। तो इतने दक्षु के पापा को मैं बीच में बोल के आई हूँ कि उसको उठा देना। और जब भी मैं दक्षु को ना पराठा स्टफिंग पराठा बना के देती हूँ, तो उसको ना मैं बीच में से पराठे को दो पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ कट करके। पिज़्ज़ा कटर जो होता है वो है मेरे पास, उससे कट करके ना मैं रोल बना के देती हूँ। रोल फिर वो उठाता है, ईजिली उठा के खा लेता है। बहुत तेज़ गर्म था पराठा तो हाथ जल गए मेरे। और उसके बाद बस दक्षु को रेडी किया मैंने, नहलाया है, ब्रश करवाया है, उसके बाद दक्षु के पापा ने इसका पटका बांध दिया है और दक्षु यहाँ पे बहुत ज़्यादा रो रहा है। जैसे ही उसने देखा ना कि मेरी यूनिफॉर्म आ गई है, ये स्कूल की यूनिफॉर्म है और इसको पहन के स्कूल जाते हैं, तो उसका रोना स्टार्ट हो गया। पहले तो उसको ये था, ये बोला था मैंने कि आज हम पार्क जा रहे हैं, तो उसको लगा कि हम पार्क में घूमने जा रहे हैं, राइड वगैरह करूँगा मैं वहाँ पे जाके, तो इसलिए वो नहा लिया, ब्रश कर लिया, पटका बांध लिया। बट उसने जैसे ही उसकी नज़र पड़ी यूनिफॉर्म पे, अब यूनिफॉर्म तो पहना नहीं थी, कपड़े चेंज करने थे, तो फिर उसका रोना स्टार्ट हो गया। तो बहुत ही प्यार से उसको लालच दिया कि फ़ोन दे दूंगी, कार्टून देख लेना। और दक्षु के पापा भी उसको बहुत ज़्यादा मना रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, तो बट वो नहीं मान रहा। तो उसको फिर बाद में दक्षु के पापा ने अपनी डेनवर छोटी सी परफ्यूम की बॉटल है उनकी, वो ला के दे दी थी, उससे थोड़ा सा खेल रहा था, खुश हो गया था। तो मैंने फिर फटाफट से इसको कपड़े पहनाए। मैं इसको समझा रही हूँ कि बेटा सब बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल तो जाना ही है, और मैम तो बहुत प्यार करती है वहाँ पे, और हम आपको लेने आ जाएंगे दोनों। तो बहुत ज़्यादा मतलब इसका ना माइंड डाइवर्ट करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा बातें करनी पड़ती है इसके साथ, फिर ये धीरे धीरे करके मान जाता है। 3-4 दिन कॉन्टीन्यूसली स्कूल जाएगा ना, फिर इसका माइंड सेट हो जाएगा कि नहीं भाई ये स्कूल है, यहाँ पर तो आना ही आना है, अब चाहे रो चाहे धो कुछ भी हो। बट चलो कोई बात नहीं, छोटा बच्चा बड़ा होगा तो अपने आप समझ में आ जाएगी इसको, अभी समझ नहीं है ना इतनी, तो क्या कर सकते हैं।
सो बहुत प्यार से हैंडल करना पड़ता है इसको, इसको बहुत ज्यादा प्यार से हैंडल करना पड़ता है। दक्षु बीच बीच में बोल रहा है आके, और बस सबसे पहले हम इसको लेके जाएंगे पार्क, पार्क में फिर ये थोड़ा सा घूमता फिरता है, खेलता है, मजे करता है। दक्षु को फोन चाहिए गाइस, हम वीडियो बंद कर दें, कर दें। बाय गाइस। थक गए हैं? थक गया रक्षु, पानी पीना है, पानी पीना है। हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बस अभी दक्षु को स्कूल छोड़ के आए थे, एंड अभी इन्हें काफ़ी देर हो गई एक्चुअली स्कूल छोड़ के आए हुए। उसको अभी 10:30 हो चुके हैं, 10:30 का टाइम हो रहा है अभी। और मैं अभी सारी क्लीनिंग लगी थी करने घर की, साफ़ सफाइयाँ, और दक्षु के पापा अभी अभी घर पे आके ब्रेकफास्ट वगैरह करके, एक्चुअली फ़ैन मैंने बंद किया ना, मैं झाड़ू लगाने लगी थी, बहुत मिट्टी मिट्टी हो रही है पूरे घर में। कल एक्चुअली कपड़े वगैरह वॉश किए थे ना, धोए थे, तो फिर कल अच्छे से सफाइयाँ कर नहीं पाई क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो रहे थे धोने के लिए। तो मैंने सोचा चलो आज कपड़े वगैरह धोने का काम नहीं है, तो फटाफट से झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ, अच्छे से डीप क्लीनिंग कर देती हूँ। और दक्षु स्कूल में है, दक्षु के पापा भी स्कूटी की सर्विस करवाने गए हैं, तो मैं अकेली हूँ घर पर, फटाफट से साफ़ सफाइयाँ कर दूँगी, नहीं तो कभी कोई पैर लेके आता है, कभी कोई आगे पीछे घूमते ही रहते हैं दोनों। सो बस ब्रेकफास्ट किया था अभी, दूध वगैरह, और ब्रेकफास्ट में आज हमने बनाए थे ब्रेड टोस्ट सैंडविच, सो यम्मी से खा के मज़ा आ गया। सो अभी लगते हैं काम पे फटाफट से, और ना उधर गुरबानी शब्द कीर्तन चल रहा है लगा के ना, मैं आराम से फिर अपना काम करती रहती हूँ, तो इसीलिए मैं उधर जाके बात नहीं कर रही, नहीं तो फिर म्यूज़िक की साउंड बीच में आएगी तो फिर कॉपीराइट आने का डर रहता है, तो ये सारी चीज़ें भी यूट्यूबर को देखनी पड़ती हैं। सो चलिए गाइस, बहुत सारी बातें हो जाएंगी, ऐसी बातें करती रहूँगी तो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। तो अभी फटाफट से मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद पोछा लगाऊंगी, फिर नहाऊंगी दोबारा से, एक बार मैं मॉर्निंग में सुबह उठ के नहा लेती हूँ, एक बार फिर पूरा घर का काम करके नहाती हूँ, कई बार 3 बार भी नहाना हो जाता है, कई बार शाम को ना 8-9 बजे दिल करता है कि किचन का सारा काम होने के बाद नहाई नहाई कर लो। चलिए अभी कर लेते हैं काम, फिर उसके बाद करते हैं बात।
सो गाइस अभी चली गई थी लाइट और मेरे फेस पे स्वेटिंग देख सकते हो आप, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है। लाइट गई तो काम बीच में ही छूट गया था। जैसे ही मैंने व्लॉग शूट करने के लिए कैमरा उठाया उसे टाइम लाइट आ गई, जल्दी आ गई, इतना शुक्र है। बट अभी फ़ैन नहीं ऑन कर सकती क्योंकि झाड़ू लगा रही हूँ और सारा कूड़ा काड़ा इधर सब इधर उधर उड़ जाएगा। और बीच में ही ना शब्द कीर्तन लगा रखे थे मैंने, बीच में बंद हो गए क्योंकि लाइट चली गई थी, तो उसके बिना फिर मन नहीं लगता काम करने में, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा लगता पता नहीं कितना सारा काम पड़ा है अभी करने के लिए। और पीछे आप रस्सियाँ देख सकते हो, कल हो रही थी बहुत तेज़ बारिश यहाँ पे, एंड फिर बारिश होने की वजह से कपड़े बाहर सूख नहीं सकते थे, तो फिर मैंने अंदर रस्सियाँ बांध ली आराम से, फिर कपड़े अंदर फ़ैन के नीचे सूखे, सुबह फोल्ड किए, आधे कल किए आधे सुबह किए, जो सुबह तक सूखे थे फिर वो मैंने फोल्ड करके अलमीराज में सेट किए। और स्वेटिंग देख सकते हो आप मेरे को कितनी स्वेटिंग हो रही है। और कहाँ गए जो मैं सुन रही थी, मेरा बहुत मन लगता है वो वाला शब्द सुनने में ना। सो चलिए अभी बेडरूम रहता है बस झाड़ू लगाने के लिए, इधर सारी क्लीनिंग कर दी मैंने और यहाँ पे ऐसी सारा कूड़ा कचरा फैला पड़ा है, बेडरूम क्लीन कर दूँ उसके बाद फिर पोछा लगाऊंगी, फैन ऑन करूंगी फटाफट से। क्या है आपके हैंड में, दिखाओ इधर करो फेस अपना, ये क्या है रक्षु आपके पास? डियो। डियो? अच्छा आज आपका स्कूल कैसा रहा? दक्षु क्या बनाना बताओ, दिखाओ है? स्पेलिंग बताओ इसकी। एल। अच्छा दक्षु उधर देखो, स्कूल में मैम ने क्या बोला आज आपको? दक्ष मैम ने क्या बोला आज आपको स्कूल में? बाद में खेलना है। क्या अपने घर जाके खेलना है बाद में? क्या बाद में खेलना है घर जाके? क्या करना है बाद में घर जाके? लेसन करना है। लेसन? लेसन? अच्छा
होम क्लास वर्क आज क्लास वर्क नहीं करके आए आज हैं? क्लास वर्क करके नहीं आए और मैम से प्रॉमिस करके आया है कि मैं अपने घर जाके कर लूंगा और कल से करूंगा क्लास में। और मैम भी इसको इतना प्यार करती है, मैम मान जाती है इसकी बात। नहीं मम्मा, दो काम करके दिखाना। ओके, दो काम कर। एक